हेलो एवरीवन, स्वागत सबसे का आज के से नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके इस एग्जाम की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी तरह सब्जेक्ट के। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी आप लोग को मिल जाएंगे वहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम की तरफ से बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो में लोग करने वाले हैं टॉप 200 प्रश्न है, जो कि ये पार्ट वन वीडियो है। आपको फिर पार्ट टू मिल जाएगा जल्दी ही, और इसका कंप्लीट पीडीएफ पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके इसका कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाती है। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी नहीं की है, आप लोग इसके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए घर में, और जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। ठीक है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। ऑप्शन आप सामने चार दिया हुआ है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। सो जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गोविंद बल्लभ पंत है, सरदार के एम पन्नीकर है, पंडित हृदयनाथ कंजूरू है, और उसके बाद न्यायमूर्ति फजल, न्यायमूर्ति को यहाँ पे नयन मूर्ति हो गया, तो आप लोग यहाँ याद रखिए न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अली फजल, सॉरी न्यायमूर्ति फजल अली। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। ऑप्शन आपके सामने चार दिया हुआ है, तो यहाँ राज्य होगा, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हिंदी, क्या हो जाएगा, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। गोवा भारत संघ का राज्य है किस वर्ष बना। ऑप्शन देख पा रहे हैं सामने दिया हुआ है, 1967, 1987, 1985, 1950। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे एक बार देख लीजिए पूरी वीडियो को कम्प्लीटली, फिर इसका प्रैक्टिस अपने से आप लोग करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन आपके सामने चार दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अभी एक रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जिन्ना ने। किसने किया था, जिन्ना ने, किसने किया था, तो जिन्ना ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया। ऑप्शन देख पा रहे हो, चार ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करें तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रूस, क्या जाएगा, रूस। चलिए आगे क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए हुए थे, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1966 है, 1972 है, 1998 है, 2002 है। सो यहाँ पे चार ऑप्शन में क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1966, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1966। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन आपके सामने चार है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। इससे पहले आपको बताता हूँ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने जितने जल्दी इस वीडियो को लाइक करते हैं इसी तरह का अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए, सो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ओ ह्यूम, कौन थे, ए ओ ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है। भारतीय संविधान जो है उसकी आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका भाषाओं की सूची, क्या हो जाएगा, भाषाओं की सूची। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इस समय भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। अभी जो है भारत में वो कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, ऑप्शन आपके सामने चार राइट दिए हुए, सॉरी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुदलीय व्यवस्था, कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ तो कब लागू हुआ था, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए,
तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2005। कब लागू हुआ तो 2005। बढ़ते गए क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। यहाँ पे चार राज्यों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था वो पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले जो बना था वो कौन बना था, आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका 1945 को, कब बनी, कब हुई स्थापना, तो 1945। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कहाँ है सार्क जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू या फिर नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू, कहाँ पे है तो काठमांडू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, भारतीय जो संसद होता है उसका जो मुख्य कार्यपालिका जो होता है वो कौन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, कौन होता है तो प्रधानमंत्री। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रखंड प्रमुख। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दलीय ने सरकार बनाई, 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद बिहार में जो सरकार जो बनाई वो कौन सी दलीय। ऑप्शन के सामने दिया हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल या फिर कांग्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इस चारों में ऑप्शन में से, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का उत्तर देना है। देखेंगे कि कौन कौन इसका आंसर दे पा रहे हैं, फिर मैं उसको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कि आपका सही हुआ है फिर गलत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन के भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद किस तहत मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 352 होता है, बट यहाँ पे 352 नहीं है, आप 356 में लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है संबंधित किससे है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मानव अधिकार, किससे है संबंधित, तो मानव अधिकार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है मतलब सॉरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेग, जिसको कहते हैं द हेग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, कौन से संविधान के संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 73वां संशोधन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 73वां संशोधन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी राजस्थान से, कहाँ से हुई थी तो राजस्थान से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब होता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 28 राज्य, बट पहले जो था 29 था, जिस हिसाब से यहाँ पे 29 सही होगा, लेकिन अब जो है 28 राज्य बन चुका है, तो आप लोग 28 ही लगाइएगा। गुटन रिपेयर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, नई दिल्ली, हवाना, बेलग्रेड या फिर कैरो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेलग्रेड, क्या हो जाएगा, बेलग्रेड। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, यहाँ पे जो चार देश के नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भारत। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि UNO निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, UNO निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। ऑप्शन है 1952, 1945, 1960 या फिर 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, किस देश ने होगा, किस देश ने किया सबसे अधिक। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, रूस, क्या जाएगा, रूस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग को जो भंग किया उसके बाद कौन सा आयोग बना।
तो उसके बाद बना नीति आयोग, क्या बना था तो नीति आयोग, जिसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या 243, क्या हो जाएगा 243। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है राम कोविंद, उसके बाद देवानंद कुमार, केसरी नाथ त्रिपाठी, सत्यपाल मलिक। तो यहाँ पे सत्यपाल मलिक इस ऑप्शन के हिसाब से, बट अभी करेंटली बिहार का राज्यपाल चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइटेशन की बात करें तो राइटेशन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1975, कब बना था 1975। उसके अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देश का नाम था चीन, कौन था तो चीन था। उसके अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, वर्तमान में भी केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके महासचिव कौन है, तो उसके महासचिव अभी से इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन से क्या होगा 72। बढ़ते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, भारत में सॉरी बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था, तो कौन से राजनीतिक दल था, वो था जनता पार्टी, क्या था जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था पर्यावरण के लिए होता है रियो डी जेनेरियो में, क्या कहाँ पर हुआ था रियो डी जेनेरियो में। उसके अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुना चिन्ह आवंटित किया जाता है, ऑप्शन के सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका चुनाव आयोग, क्या हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना जो हुई थी 1953 को हुई थी, कब हुई थी 1953। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अपने क्षेत्र से लगाओ। अगला क्वेश्चन है कि संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन इसका अमेरिका, क्या हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत में जो कार्यपालिका होता है उसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, कौन होता है तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो महिलाओं को जो दी गई है वो 33% दी गई है, यानी सूचना आंसर डी हो जाएगा, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई तो 33%। बट इसके लिए अगर पंचायत ने पूछा पंचायत का दिया होगा, लेकिन अगर ऐसे राज्य के बारे में पूछे तो वहाँ पे 50% होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज रहेगा इसमें। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 11 सितंबर 2008 को निम्नांकित में से कौन सी घटना घटी, ऑप्शन के सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई से ऐसा घटना जो 11 सितंबर को नहीं घटी थी, और बाकी होटल ताज का आतंकवादी 2008 को घटी थी, बट उसका डेट अलग था, उसका डेट शायद 24-29 नवंबर था शायद, हाँ हो सकता है 24-29 नवंबर। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक गुण सॉरी निम्नलिखित में से कौन एक गुण निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है, यहाँ पे गुट निरपेक्ष होगा लेकिन यहाँ पे गुण दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा अराफात, क्या हो जाएगा अराफात। अगला क्वेश्चन कि मेक मोहन रेखा क्या है, मेक मोहन रेखा क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को मेक मोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था तो वो किया था जिन्ना ने, कौन किया था तो जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, क्यूबा संकट जो हुआ था वो 1962 को उत्पन्न हुआ था, कब हुआ था 1962। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था 1952 को हुआ था, कब हुआ था 1952। अगला क्वेश्चन जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1970 को हुई थी, बट भारतीय जनता पार्टी पूछे तो 1980, तो आप काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं 1980 और 1970 में, जब पूछा जनता पार्टी तो 1977 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था। किसने? वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग कुछ क्वेश्चन थे, काफ़ी विवेक क्वेश्चन, जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। और आप और भी इस तरह के पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जितने कोई भी सब्जेक्ट के। तो चलिए, वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो भी वीडियो आ रहा है, तब लोग इसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब तक हम अगले वीडियो मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मेरे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।